नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीन में भी दिखा प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। चीन और अमेरिका ने भारत की आर्थिक नीतियों को सराहा। विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी के मुलाकात का सिलसिला जारी। गृहमंत्री राजनाथ की अगुवाई वाली ऑल पार्टी डेलीगेशन आज जम्मू के दौरे पर। कश्मीरी पंडितों और कारोबारियों से हालात पर हो रही है चर्चा। कल घाटी में अलगावादियों ने किया था बहिष्कार। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार का कबूलनामा। 1.5 साल पहले महिला से संबंध होने की बात मानी। अपने पूर्व ओएसडी प्रवीण कुमार पर लगाया वीडियो लीक करने का आरोप। जजों को चुनने वाली व्यवस्था कोलेजियम पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्किंडे कार्चजू ने कई भ्रष्ट जजों के चुने जाने का लगाया आरोप। और देश भर में आज पधारे गणपति बप्पा। मंदिरों और पंडालों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आज ही देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बच्चों को पढ़ाएंगे राजनीति का पाठ। अमन की राह में हुर्रियत की हेकड़ी के बाद आज ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू के दौरे पर है। यहाँ भी समाज के अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है। आज डेलीगेशन कश्मीरी पंडितों और कारोबारियों से हालात पर चर्चा कर रही है। इससे पहले कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कश्मीर पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 200 प्रतिनिधियों से मुलाकात की और घाटी के हालात पर चर्चा की। उधर अलगावादी नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल के 5 विपक्षी सदस्यों से बात करने से इनकार कर दिया है और उनके प्रयास को विफल कर दिया। उधर केंद्र की इस पहल के बीच एक बार फिर घाटी में हिंसा का दौर शुरू हो गया है। शोपिया में कल प्रदर्शनकारियों ने मिनी सचिवालय को फूंक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चीन में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक मुश्किल वैश्विक परिदृश्य में GST सुधार को साहसिक नीति बताते हुए उसकी सराहना की। मोदी ने पहले ओबामा से संक्षिप्त मुलाकात उस वक्त की जब वे G20 शिखर सम्मेलन में एक सामूहिक तस्वीर खींचवाने के लिए पोज दे रहे थे। शाम में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्हें विचारों का आदान प्रदान करने का एक और अवसर मिला। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ओबामा ने हालिया कर सुधार को लेकर अपने भाषण में मोदी की सराहना की। उन्होंने इस मुश्किल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक साहसिक नीति का उदाहरण बताया। इससे पहले मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल से सम्मेलन से इतर मुलाकात की। वियतनाम से कल यहां पहुंचे मोदी ने सऊदी अरब के सहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने तरीके पर चर्चा की। चीन से सरकारी मीडिया ने रविवार को कहा कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा का लक्ष्य चीन पर संयुक्त रूप से दबाव बनाना और देश के साथ उनकी सौदेबाजी बढ़ाना है। चीनी सरकारी मीडिया से कल ये टिप्पणी की। सरकार संचालित ग्लोबल टाइम्स वेबसाइट के एक आलेख में कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर बीजिंग भनोई संबंध पिछले कुछ बरसों से सहज नहीं रहे हैं। चीन के बारे में वियतनामियों के मन में नकारात्मक भावनाएं भी बढ़ रही है। इसने कहा है कि इसके मद्देनजर मोदी की वियतनाम यात्रा बगैर किसी शक के कई राजनीतिक अर्थ देती है, जिसे ये माना जा सकता है कि नई दिल्ली और हनोई बीजिंग पर संयुक्त रूप से दबाव बढ़ सकता है। इसने कहा कि इसके पीछे मूल्य कारण भारत और वियतनाम का हित है। नई दिल्ली और हनोई दोनों ही देश चीन के साथ अपनी बातचीत में अपनी सौदेबाजी की स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बीजिंग के साथ सीधी तकरार नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्किंडे कार्चजू ने एक बार फिर अपने ब्लॉग के जरिए जजों को चुनने वाली व्यवस्था यानी कॉलेजियम व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। कार्चजू ने लिखा है कि कॉलेजियम व्यवस्था अपारदर्शी व्यवस्था है और इसके जरिए कई भ्रष्ट जजों की नियुक्ति की गई है। इस व्यवस्था में तुरंत ही परिवर्तन लाया जाना चाहिए। कार्चजू ने कहा कि जस्टिस चेलमेश्वर ने बैठक में ना जाने की वजह बताई है कि कॉलेजियम की मीटिंग अपारदर्शी होती है, केवल 5 लोग चुपके से बैठकर फैसले लेते हैं। जस्टिस कार्चजू के मुताबिक इस व्यवस्था के अंदर गिव एंड टेक फॉर्मूला चलता है, यानी आप मेरा काम करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। यहां बार्गेनिंग होती है, आप मेरा फेवर कीजिए, मैं आपका करूंगा। कार्चजू ने कहा, इस व्यवस्था से अच्छे जज नहीं आ सकते। इस सिस्टम ने बहुत सारे भ्रष्ट और अयोग्य जजों का चुना है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अपशब्द कहकर जेल जा चुके बीजेपी के निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर की सुर्खी की वजह उनकी जुबान ही बनी है। दयाशंकर सिंह ने एक बार फिर मायावती को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मेनपुरी में कल दयाशंकर सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तुलना कुत्ते से कर दी। मायावती पर की गई पिछले बयान को लेकर दयाशंकर जेल जा चुके हैं, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। दयाशंकर सिंह ने कहा, मायावती एक डरपोक महिला है। मायावती उस कुत्ते जैसी है, जैसे गली में कोई गाड़ी जाती है तो कुत्ते उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, और जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है तो कुत्ते पीछे भाग जाते हैं। भीड़ के सामने तो दयाशंकर शेर की धाड़े, लेकिन बाद में लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो कुत्ते की व्याख्या ही पलट दी। अपनी सफाई में दयाशंकर ने कहा, हमने मायावती को कुत्ता नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मायावती और उनके नेता हमें कुत्ता बताते हैं। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार ने रविवार को पुलिस पूछताछ में अपने ओएसडी प्रवीण कुमार पर वीडियो लीक करने और ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उसने 1.5 साल पहले एक महिला से संबंध होने की बात भी स्वीकार की। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदीप कुमार को रात भर सुल्तानपुरी थाने की जेल में रखा गया। रविवार सुबह 7 बजे से पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार संदीप डर कर पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे थे। पूर्व मंत्री ने हिचक के साथ स्वीकार किया कि उन्होंने 1.5 साल पहले महिला से संबंध बनाए थे। उनके सुल्तानपुरी एफ ब्लॉक स्थित दफ्तर में ये वीडियो बनाया गया था। उन्होंने वीडियो बनाने की हरकत को अपनी मूर्खता बताया। हालांकि इस बीच संदीप की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद किथवाज उस वक्त सेक्स स्कैंडल में फंस गए जब एक अखबार ने दावा किया कि उन्होंने पुरुष यौन कर्मियों की सेवा ली थी। समाचार पत्र संडे मिरर के मुताबिक साल 1987 से लिसिस्टर से लेबर पार्टी के सांसद चुने जा रहे वाज ने पिछले महीने की एक शाम इन पुरुष यौन कर्मियों को लंदन स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया था और वाज ने उनके साथ समय बिताने के एवज में भुगतान किया। वे 2 बच्चों के पिता है। वाज ने हाउस ऑफ कॉमन्स की गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष पद से हटने का ऐलान किया है। वे 10 वर्षों से इस समिति की अगुवाई कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक वाज ने एक बयान में कहा, मेरे कदम से लोगों को, खासकर मेरी माँ और बच्चों को दुख और दिक्कतें पैदा हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं समिति के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटने के अपने इरादे के बारे में समिति को मंगलवार को सूचित करूंगा। जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली हरियाणा की जानी मानी सिंगर और डांसर सपना चौधरी की स्थिति अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने चरित्र को लेकर उड़ रही अफवाहों से आहट होकर सपना ने रविवार की सुबह ये खौफनाक कदम उठाया था। फिलहाल नजफगढ़ के एक अस्पताल में सपना का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालात गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। सोशल मीडिया में अपने खिलाफ उड़ रही अफवाहों से सपना काफी परेशान थी। सुसाइड करने से पहले सपना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने सतपाल तनवर नामक शख्स पर उसे बदनाम करने की बात कही। साथ ही उसने सुसाइड नोट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार।